नमस्कार, मैं चेतना, चेतनाज न्यू किचन में आपका स्वागत है। तो आज फिर मिल रहे हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे घर में रखी बिल्कुल सिंपल चीज़ों से दिल्ली की फेमस मिठाई शाही टुकड़ा। ये बहुत आसानी से बन जाती है और टेस्टी भी बनती है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में मैं 200 ग्राम गुड़ ट्रांसफ़र करूँगी और 1 कप पानी, थोड़ी सी हरी इलायची, तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे हम। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, गैस को धीमा कर दीजिए और धीमी आंच पे इस चाशनी को 3 से 4 मिनट पका लीजिए। 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। तो देखिए, चाशनी पक चुकी है, अब हम इसे चेक करेंगे। हल्की चिपचिपी चाशनी रखनी है। चाशनी बनके तैयार है, अब इसको ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। और एक कढ़ाई में 1/2 लीटर दूध डालेंगे और उसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक हम 1 कप में अलग से दूध थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ये मैंने अलग से लिया है इस कप में दूध, और इसमें मैं मिला रही हूँ 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। ये रबड़ी बहुत आसानी से बन जाती है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता और टेस्टी भी बनती है। और आप अगर दूध को पका के बनाएंगे तो उसमें 1 लीटर दूध आपको लेना पड़ेगा, और जब तक पकाना पड़ेगा वो 1/2 लीटर ना रह जाए, तो उसमें टाइम लगता है। इस तरह से ट्राई करिएगा, बहुत आसानी से और टेस्टी बनेगी। अब हम इसे मिक्स करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के। तो ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। दूध गर्म नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर का दूध लेना है। और ये कढ़ाई वाला दूध गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। तो शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी थोड़ी सी ही यूज़ करी है। रबड़ी और चाशनी आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं। और जैसे ही शक्कर इसमें मिक्स हो जाएगी, हम इसमें मिलाएंगे केसर। तो केसर को मैंने पहले से ही दूध में घोल के रख दिया था, जिससे कि उसका कलर बहुत अच्छे से आ जाए। आप चाहें तो केसरिया कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी दूध में घोल के इस तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो देखिए, हाल कलर आ जाता है। और इसको पकाएंगे हम, और साथ साथ इसमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर वाला दूध भी ऐड कर देंगे इस तरह से छान के। और जैसे ही आप इसमें ऐड करें, इस दूध को अच्छे से मिक्स करते जाइए, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिला है, लम्प्स पड़ सकते हैं। तो इसको मिक्स करते जाइए और तब तक मिक्स करते रहिए उबाल ना आ जाए। और जैसे ही उबाल आ जाए, इस गैस को धीमा कर दीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम थोड़ी सी धीमी आँच पर इस तरह से मिक्स करते हुए ही 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तो रबड़ी बनके तैयार। ये देखिए, बन चुकी है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफर करके फ्रिज में रख देंगे। तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हमें इस रेसिपी में ठंडी रबड़ी यूज करनी है। इसको हम अलग रख देते हैं, और जब तक हम ब्रेड के पीसेस फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम शुद्ध घी गर्म करेंगे। इतना घी ले लीजिए कि पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाएं। आप रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हैं, जो भी खाते हो आप, पर घी में बहुत टेस्टी बनती है। तो जब तक घी गर्म हो रहा है, हम ब्रेड के पीसेस काट लेते हैं। तो ये मैंने ब्रेड ली है, मैं करीब 4 से 5 ब्रेड यूज़ करूँगी, और इसको इस तरह से कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो जिस शेप में भी आपको काटना है आप काट सकते हैं, क्योंकि ये चाशनी और रबड़ी में जब हम इसको डिप करेंगे तो ये बहुत ही फ्लफी हो जाते हैं। तो आपको जैसे भी शेप में काटना है आप काट के यूज़ करिए। और इसका ये ब्राउन पोर्शन हमने नहीं निकाला है, क्योंकि ये भी फ्राई हो जाता है और अच्छा लगता है टेस्ट में। तो देखिए, घी गर्म हो चुका है। घी को तेज गर्म करना है, हल्के गर्म घी में मत डालिएगा, वरना
जो ब्रेड के पीसेस हैं वो बहुत घी पी लेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़े तेज गरम घी में डालिए, बिल्कुल धुआं निकलता हुआ घी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल जाएंगे। और इसको थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहिए। बहुत अच्छा कलर आता है और ना जलते हैं और ना ऐसा लगता है कि जैसे बहुत घी पी गए हैं, ऐसे भी नहीं सिकते, बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होंगे। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को और इस तरह से बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहिए। ये बहुत अच्छी टेस्टी मिठाई बनती है, आप जब भी चाहे बना सकते हैं। हेल्दी भी है और इजी भी। हेल्दी इसलिए है कि इसमें हमने गुड़ का यूज़ किया है। आप शक्कर की चाशनी की बनाएंगे वो भी अच्छी लगती है, जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए ब्राउन होते जा रहे हैं, हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। बस अब हम इसे अलग निकाल देंगे घी में से, और इस तरह से जितने भी पीसेस आपको यूज करने हैं आप सब फ्राई कर लीजिए। के बाद मैं आपको ब्रेड को बिना डीप फ्राई किए क्रिस्पी करने का तरीका बताऊंगी। तो ये हम एक पैन में हल्का सा घी लगा रहे हैं, बहुत हल्का सा, देखिए ना के बराबर है बिल्कुल। और इसमें ब्रेड की स्लाइसेस हमने ऐसे साबुत रख दी हैं। अगर आपको बिल्कुल साबुत स्लाइसेस यूज करनी है तो आप इस तरह से बिना कट लगाए भी क्रिस्पी कर सकते हैं। और इनको हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करके पलट पलट के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो हल्का हल्का प्रेस करते जाइए, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके और पलटते जाएंगे। और फ्लेम हमें बिल्कुल धीमी रखनी है, आंच धीमी रखिए। तो ये देखिए इस तरह से करकरे हो जाएंगे। अगर आप धीमी आंच पे पलट पलट के इस तरह से सेक लेंगे तो ये बिना घी के भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, और आप इसको मनचाहे आकार में काट सकते हैं। आप चाहें तो साबुत पीस यूज़ करना है तो साबुत पीस भी यूज़ कर सकते हैं, और कट लगाना है तो कट भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको कट लगा के बता रही हूँ, इस तरह से जो भी शेप चाहिए आपको कट लगा लीजिए। और इनको भी हम उसी तरह से सेट कर सकते हैं जैसे मैं आगे आपको हमने जो डीप फ्राई करे हैं उनको सेट करके बताऊँगी वीडियो में। तो इस तरह से इसको भी सेट करके आप इस पर गुड़ की चाशनी या शक्कर की चाशनी और रबड़ी ट्रांसफर कर सकते हैं। जितनी भी लेयर चाहिए आप इस तरह से सेट कर लीजिए। तो आगे की प्रोसेस चलते हैं हम। तो सभी पीसेस फ्राई हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी हैं, ठंडे भी हो चुके हैं, ये काफी ठंडे हो गए हैं। तो देखिए कितने करकरे फ्राई हुए हैं। और आप चाहें तो मार्केट में जो टोस्ट आता है वो भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट वो बाजार से खरीद के लाइए और चाशनी और रबड़ी बना लीजिए। और आगे की प्रोसेस आप देखिएगा उस किस तरह से आपको सेट करना है, उस तरह से आप टोस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। कढ़ाई में बहुत कम घी यूज़ हुआ है, ज़्यादा घी नहीं लगा। सिरप भी तैयार है गुड़ का और रबड़ी भी। गुड़ की चाशनी को हमने रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया है, फ्रिज में नहीं रखा था। और अब बनाएंगे हम शाही टुकड़ा। तो इस तरह से ये इस प्रोसेस से आप अगर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सारे पीसेज हम एक बर्तन में सेट कर लेंगे। आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, मैंने कांच का लिया है और पीसेस सेट कर लेती हूँ मैं। क्योंकि ये चाशनी और रबड़ी में बहुत अच्छे से भीग जाएंगे और फ्लफी हो जाते हैं, तो आप जिस शेप में भी आप इसको सेट करेंगे उतने ही टेस्टी बनेंगे। थोड़ी सी ये खाली जगह, इसमें मैं इसको आप इस तरह से एक पीस को तोड़ के भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सेट कर लिए सभी पीसेस। अब हम इसमें सिरप और रबड़ी ऐड करेंगे, तो मैं बताऊंगी आपको किस तरह से सेट करना है। एक एक लेयर हम हटा देंगे, ऊपर के एक एक पीसेस हम हटा देंगे और एक लेयर रहने देंगे
सबसे लास्ट वाली, और उस पे हम इस तरह से सिरप डालेंगे। आप चाहे तो इस सिरप के बाद रबड़ी भी डाल सकते हैं और उसके बाद दूसरी लेयर लगाइए। मैं रबड़ी का यूज़ डायरेक्ट लास्ट में ही करूँगी। तो अभी हमने पहली लेयर पर गुड़ का सिरप डाल दिया है और वापस दूसरी लेयर लगाइए, इस पे भी हम सिरप ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो रबड़ी यूज़ करके वापस से फिर लेयर लगा दीजिए। अभी हम एक लेयर और लगाएंगे बस, क्योंकि रबड़ी हम ऊपर से भी डालें या बीच में लेयर लगाएं, टेस्टी उतने ही बनते हैं। एक लेयर और लगाएंगे हम ब्रेड की और इस पे सिरप डालेंगे वापस। इस तरह से सभी पीसेस हमने सिरप डाल के तैयार कर लिए हैं। अब हम लास्ट में यूज करेंगे रबड़ी। तो आज की टिप, गुड़ खाने में ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि गुड़ बहुत हेल्दी होता है। अगर आप गुड़ की चाय पीना चाहते हैं तो पहले ऐसा सिरप बना के रख लीजिए जैसा हमने अभी बनाया है, और इसको जितनी क्वांटिटी में आप चाहते हैं एक कप में डालिए और ऊपर से गरम गरम चाय छान लीजिए। चाय बिल्कुल नहीं फटेगी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखिए, सारी रबड़ी हमने पीसेस पे फैला दी है, बहुत अच्छे से डिप हो गए हैं ये, और इस पर हम गार्निश कर रहे हैं टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको क्रिस्पी शाही टुकड़ा सर्व करना है तो उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको इस तरह से ढककर फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए, 2 पीसेस इस तरह से हम प्लेट में सेट करेंगे। ये बिल्कुल करकरे पीसेस हैं और इस पे चाशनी फैला देंगे। जितनी भी आपको मीठा खाने का मन है आप उतनी चाशनी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ऊपर से रबड़ी। तो ये आप तुरंत खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं करकरे, और इस पर हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रहे हैं। तो ये देखिए, सर्व होने के लिए तैयार। आप इसको खाइए और एंजॉय करिए। 2 घंटे हो चुके हैं, तो दिल्ली का फेमस शाही टुकड़ा बनके तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो इस तरह से कट लगा लीजिए। रबड़ी और चाशनी में ये बहुत अच्छे से फूल चुका है और सॉफ्ट हो गया है। गुड़ की चाशनी का एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। तो एंजॉय कीजिए, इस तरह से इसे सर्व करिए। तो देखिए, हर पीसेस में बहुत अच्छे से रबड़ी और चाशनी सेट हो चुकी है। आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।